हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 नटखट बसंत भाग 2। ठीक है, इससे पहले का हमने भाग पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भेड़ का एक नन्हा बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है, बसंत था, जो बहुत ज्यादा नटखट और चंचल था। वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था और अकेले जंगल में घूमने चला जाता था। और एक दिन जब वो जंगल में घूमता है तो क्या होता है, अचानक से तेज बारिश होने लगती है जिससे वो घबरा जाता है और यहाँ वहाँ घूमने लगता है, भटकने लगता है। और वहीं पे उसी जंगल पर एक पेड़ होता है जिसके ऊपर एक लंगूर बैठा होता है। ठीक है, आज हम इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसने बसंत से कहा कि तुम पेड़ के खोखले तने में बैठ जाओ। बसंत ने लंगूर की बात मान ली और बारिश के से बचने के लिए चुपचाप उसमें छिपकर बैठ गया। अब जो लंगूर पेड़ पर बैठा था उसने बसंत से क्या कहा, उसने बसंत से कहा कि तुम ये जो पेड़ में जो खोखला है, खोखला मतलब छेद, बड़ा सा छेद होता है ना, उसे खोखला बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ पे जो खोखला था, ठीक है, उसने कहा कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ। लंगूर ने बसंत से कहा तुम वहां बैठ जाओ, इससे तुम बारिश से बच जाओगे। ठीक है, और जो बसंत था वो भी चुपचाप जाकर खोखले पे बैठ गया। फिर क्या हुआ, उधर जो भेड़ थी, बसंत की जो माँ थी, ने जब बसंत को अपने साथ नहीं पाया तो वह उसे जंगल में ढूंढने लगी। उसने जंगल का कोना कोना छान मारा पर बसंत का कहीं पता न लगा। अब जो बसंत की जो माँ थी, जो भेड़ थी, जब उसने अपने बसंत को, अपने बच्चे को अपने पास नहीं देखा तो वो पूरे जंगल में उसको ढूंढने लगी। उसने जंगल का हर कोना देखा, जंगल में हर तरफ देखा, ठीक है, कि उसका बसंत कहाँ पे है, पर बसंत उसको कहीं नहीं मिला। उसी समय लंगूर ने भेड़ को इधर उधर परेशान होते देखा तो उसने भेड़ से पूछा, भेड़ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भेड़ ने कहा, मेरा बसंत पता नहीं कहाँ चला गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तो भेड़ थी वो क्या कर रही थी, चारों तरफ, जब जंगल में चारों तरफ उसने देखा तो उसे जो बसंत था वो नहीं मिला। ठीक है, तो वो बहुत परेशान हो गई। तो जब लंगूर ने भेड़ को देखा तो उसने क्या पूछा कि भेड़ बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ठीक है, तो भेड़ ने बताया कि जो उसका जो बच्चा है, उसका जो बसंत है, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, और वो उसको ढूंढ रही है। तब लंगूर ने कहा कि बसंत तो पेड़ के खोखले तने में आराम से बैठा है। लंगूर की बात सुनकर भेड़ तुरंत बसंत के पास आ गई। माँ की आवाज सुनकर बसंत तुरंत बाहर निकला और उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, जब लंगूर ने बताया भेड़ को कि जो बसंत है वो कहाँ पर है, पेड़ के खोखले में आराम से बैठा है, तो भेड़ दौड़ते हुए उसके पास गई। और जब बसंत ने भी अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो अपनी माँ के पास दौड़ते हुए गया और लिपट कर उसको रोने लगा। ठीक है, क्यों रोने लगा, क्योंकि वो बहुत डर गया था, तो वो जब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी तो उससे लिपट कर और रोने लगा। फिर क्या हुआ, हम आगे देखते हैं। भेड़ को सामने देखकर उसकी जान में जान आ गई। भेड़ ने उसे गले से लगा लिया। तब बसंत ने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, अब से मैं सदैव आपका कहना मानूंगा और कभी मनमानी नहीं करूंगा। ठीक है, जब बसंत ने भेड़ को लिपट कर रोने लगा, ठीक है, तो जो भेड़ थी उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि उसे उसका बच्चा मिल गया। ठीक है, और जब भेड़ ने उसे गले लगा लिया तब बसंत ने क्या कहा कि माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, मैं कभी अपनी मनमानी नहीं करूंगा। मनमानी मतलब अपने मन का करना। ठीक है, जैसे बसंत अपने मन की करता था ना, मनमानी करता था, जब उसका मन करता था वो चला जाता था बाहर माँ के मना करने पर भी, तो उसने माफी मांगी अपनी माँ से कि माँ, आज के बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, ठीक है, अपने मनमानी नहीं करूंगा। तो बच्चों, ये जो कहानी है
वो हमें क्या सिखाती है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमारे बड़े जो भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, है ना। तो हमें हमेशा, आपको भी हमेशा, हम सबको हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। तो बच्चों ये पाठ बहुत अच्छी सीख देता है। आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसके कठिन शब्दों को लिखकर याद कीजिए। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने से बड़ों का कहना मानते रहिए। धन्यवाद।